नमस्कार, मैं साधना, आप देख रही युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती से है। पुलिस अधीक्षक बस्ती व हरैया क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में छावनी थाने पर किया गया समाधान दिवस का आयोजन व निरीक्षण। थाना छावनी पर पुलिस अधीक्षक बस्ती गोपाल कृष्ण चौधरी, क्षेत्राधिकारी हरैया शेष मणि उपाध्याय, थाना अध्यक्ष छावनी दुर्गेश कुमार पांडे की उपस्थिति में थाना छावनी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक के समक्ष कुल 6 जमीन संबंधित मामले आए, जिसको थाना अध्यक्ष छावनी तथा राजस्व निरीक्षक के मामले को जल्द से जल्द मौके पर जाकर निस्तारण करने का आदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय, हवालात, रजिस्टर, थाना परिसर, बैरक आदि सभी को चेक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों से वार्ता करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी प्रकार की कोई भी विवाद, चाहे जमीन से संबंधित हो, घरेलू हिंसा हो या महिला से संबंधित किसी प्रकार का अपराध हो, उसका समाधान मिल बैठ कर कर ले। इसी क्रम पुलिस अधीक्षक द्वारा एक वृद्ध महिला की समस्या को सुने, उसे समाधान कराया, जिससे वृद्ध महिला प्रसन्न होकर पुलिस अधीक्षक को खूब आशीर्वाद दिया। जहां पुलिस की आवश्यकता हो, निडर पूर्वक मिले, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। किसी अपराधी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध किया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्राधिकारी द्वारा लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि आपकी सुरक्षा ही हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप सभी लोग हम लोगों के कार्यों में सहयोग कीजिए, जिससे क्षेत्र में शांति कायम बना रहे। थाना अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे ने छावनी पुलिस आप सबके सेवा में समर्पित है। युवा तक भारत समाचार के लिए बस्ती से जिला संवाददाता संदीप उपाध्याय की रिपोर्ट।